तो भाई स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, और आज है डे टू मसूरी में। और भाई घूमते घामते हम आ गए हैं कैम्प्टी वाटरफॉल। तो भाई ये है कैम्प्टी वाटरफॉल। अभी यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, बट जैसे ही थोड़ा 10-11 बजेंगे तो उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ये देख सकते हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है, और हम मन कर रहा है कि यहाँ ही ले एक बार, तो ये देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी तो, क्योंकि जस्ट मॉर्निंग में ही आ गए हम अभी। अब देखते हैं, अब एक बार नहाने का तो मन है। आपको रास्ते में ऐसी ड्रेसेस मिल जाएंगी, पहाड़ी ड्रेस, जिसे आप पहन के फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। तो भाई यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी है, आपको खाने वगैरह की भी दिक्कत नहीं होगी, और आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं एक अच्छे व्यू में। तो देखो भाई, भाई अभी मेन पॉइंट पर जाएंगे, सबसे ऊपर एक हिडन स्पॉट है, आपको दिखाएंगे ऊपर जाके कैम्प्टी फॉल में कौन सा हिडन स्पॉट है। ऐसे ही निकले हैं हम मसूरी, देहरादून और धनौल्टी वगैरह की आसपास की सब चीज़ों को हम एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे कौन सी सबसे अच्छी जगह है, कहाँ कहाँ पा सकते हैं। तो एक बार विज़िट कर सकते हैं आप कैम्प्टी फॉल में भी, काफ़ी अच्छा भाई एटमॉस्फेयर है। तो भाई यहाँ आपको ड्रेस की कोई टेंशन नहीं लेनी, अगर आप नहीं लाए तो आपको हर शॉप पे चेंजेस के लिए एक अंडरवियर दे देंगे, तो ये सही है। और भाई हम तो नहीं लाए ड्रेस वगैरह, और थोड़ी हालत ख़राब है, तो सोच रहा हूँ कि अवॉइड करूँ नहाना, बट भाई इसको देख के ना मन तो कर रहा है कि एक बार नहा ही ले यार। देखेंगे भाई, अभी ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और, फिर देखते हैं नहाने का मन करा तो नहा लेंगे। ये भाई लिखा है वेलकम लास्ट पॉइंट, ये लास्ट स्टॉप है यहाँ पे सबसे ऊपर। अभी और थोड़ा आगे जाएंगे हम तो यहाँ बस लास्ट स्टॉप यही है। तो भाई नीचे से आ रहे हैं, थोड़ी हाइट हो गई है, चलते हैं थोड़ा और ऊपर। दिस इज़ द फाइनल स्पॉट, ये है कैम्प्टी फॉल का सबसे ऊपर पॉइंट, और यहाँ नहाएंगे अब। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही ठंडा पानी है कसम से। ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंडा आया, ग्लेशियर से पिघला हुआ लग रहा है पानी बिल्कुल। भाई नीचे जाते जाता थोड़ा गंदा पानी हो जाता है जो लास्ट में है ना, तो भाई नीचे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ऊपर आओ, बहुत अच्छा स्पॉट मिलेगा नहाने के लिए। भाई नहा धो के ना आप वाटरफॉल में, मज़ा सा आ गया, बहुत ही ठंडा पानी था। और अब जाएंगे नीचे की तरफ और कंपनी गार्डन में जाएंगे इसके बाद नहा के। भाई हालत ख़राब होगी नहा के, बहुत ही ठंडा पानी। बंदे ने भाई जो लास्ट था ये चेंजिंग रूम वाला, इसने पर अंडरवियर के जो भी आपको चूज़ करना है, जितना मर्जी नहाना है नहा लो, 50 रुपये चार्ज लेता है ये, और यहीं आके आप चेंज करके दे सकते। तो भाई हमने तो यही करा, ले कर नहीं आएंगे। ये चीज़ दिखा दूँ आपको, पहाड़ों में भी आके लोग पन्नी वन्नी बोतल ऐसे फेंक देते, इतना बुरा हाल मचा रखा है। एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, भाई साहब मतलब बुरा हाल कर देते हैं यहाँ लोग आके। गंदगी मत फैलाओ पहाड़ों पे आ रहे हो भाई, खुद से अगर आप बोतल भी ला रहे हो, बियर भी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने बैग में रख के ले जाओ, एक बैग ज़रूर कैरी करो इस चीज़ के लिए। पहाड़ों में गंदगी फैलाओगे भाई क्या रहेगा, तुम नेचर को ख़राब कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखो भाई, सब रखो। तुम दिल्ली से आते हो या कहीं से आते हो, नेचर को देखने आते हो, और उसे ही गंदा करके चले जाते हो, क्या फ़ायदा भाई आने का। तो भाई थोड़ा ख्याल रखो इस चीज़ का, आपको अपडेट देते रहेंगे जैसी जैसी हम जाएंगे और जगह घूमेंगे, सब चीज़ बताऊंगा आपको, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, मसूरी, देहरादून, आस पास धनौल्टी, तो सारी जगह बताता रहूँगा मैं आपको। पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे बहुत सी जगह, और ये दूसरा दिन है भाई मसूरी में, तो आज सबसे पहले हम कैम्प्टी फॉल ही आए हैं, इसके बाद अब जाएंगे जहाँ भी, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, बने रहे। ये भी एक गाइस हाईएस्ट स्पॉट पे मंदिर है, जिसे कहते हैं संतूरा माता मंदिर, और मेरे पीछे देख सकते कितनी हाइट पे आ चुका हूँ मैं, और ये रोड के जस्ट साइड में ही दिख जाएगा आपको। बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा ये मंदिर भी, बट भाई मेरी नज़र थी जब मैं जा रहा था, तो अब मैंने सोचा क्यों ना एक बार यहाँ जाया जाए। देख लो अच्छा स्पॉट है, अभी ऊपर जाते हैं। ये पूरा भाई एक हिडन स्पॉट ही मानो, बहुत कम भीड़ है यहाँ, लोग भी नहीं है इतने, और सीधा आपको ये रास्ते में मिलेगा कैम्प्टी फॉल के। गाइस दिस इज़ द टेंपल जो पूरा हिडन है, और ये है हमारी माता संतूरा माता का मंदिर। और हाइट दिखाऊँ तो भाई हाइट बहुत ज़्यादा है,
ये भी एक टॉप ऑफ द हिल है। ये 200-300 साल पुराना काली माता का मंदिर है। वो कहते हैं कि ये पहले टूट गया था, उसके बाद 1993 में जो मसूरी इंटरनेशनल स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, बिल्कुल सामने दिखाऊंगा मैं आपको, ये देख सकते हैं पीछे। मसूरी इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल जो इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में आता है, उसी के जस्ट सामने ये मंदिर है। और इन्हीं के ट्रस्टी ने जब ये मंदिर टूट गया था तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया। उसके बाद बहुत कम लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है। अगर आप कैंटी फॉल के रास्ते से जा रहे हो तो जस्ट 10-12 मिनट के बाद आपको ये मंदिर दिखाई देगा। और मेन रोड पे ये ज़्यादा अंदर इधर उधर नहीं जाना। तो भाई ये संतरा माता नीचे लिखा है मंदिर वैसे तो, बट है काली माता का मंदिर, तो एक बार विजिट करना, बहुत ही अच्छा स्पॉट है। मंदिर है अंदर से, चलते हैं अंदर गाइस। और भाई कहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा 1931 में बहुत ही तगड़ा भूकंप आया था, जिसके कारण आसपास ना कुछ नहीं हुआ था। और इतना हेक्टर था उस भूकंप का कि लोग डर चुके थे कि अब क्या होगा। बट जब उनकी श्रद्धा थी माता पे, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ आसपास के एरिया में। तब से लोग और ज़्यादा मानने लगे इस माता के मंदिर को। तब से यहाँ एक भक्त थे संत राम, तो माता ने दर्शन दिए उन्हें और उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला माता आपके शरण में आना है। तब से माता ने उनको कहा कि ठीक है तुम मेरी शरण में आ सकते हो। उसके बाद माता का नाम संतूरा माता रखा गया, वैसे काली माता का मंदिर है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी भाई। देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है, अभी हमें यही मंदिर में रुकना पड़ेगा। बारिश शुरू हो चुकी है और माहौल पूरा ठंडा था कल से, और आज फिर से ठंडा हो चुका है। ये देखो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई मानसून स्टार्ट हो चुका है पहाड़ों पे, तो और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है। दिस इज द स्पॉट जहाँ भाई रेस्ट लेने के लिए रुके, और यहाँ से पूरा दिखेगा आपको मसूरी। बहुत ज़्यादा हाइट नीचे है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और इसी बारिश के बीच में जा रहे हैं अभी मसूरी के रास्ते। इतने सुहाने आ रहे हैं, बिल्कुल गीली सड़क और मौसम बिल्कुल खुला हुआ, देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बूंदे, मौसम पूरा बदल रहा है बार बार। किशन देखो यहाँ बैठ के हम चाय पियेंगे, अभी पूरा नीचे वादियाँ हैं भाई साहब। व्हाट अ व्यू यार, क्या मजेदार भाई। अभी बारिश हो रही थी नीचे और देख रहे हो क्या भाप बन के आ रही है भाई। बहुत ज़्यादा सुंदर मौसम हो रहा है और ऐसी वाइब आ रही है भाई, क्या बताएं, मतलब इतनी अच्छी वाइब। और भाई पहाड़ों में बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की और हवाएं, भाई बस एवरीथिंग इज़ कम्प्लीट, कसम से मज़ा आ रहा भाई बहुत ही ज़्यादा। ये होती है असली वाइब पहाड़ों की भाई, और बेस्ट मौसम है भाई, नहीं गर्मी ना कोई रस, खाली रोडे बस बारिश। इससे रास्ता शुरू होता है कंपनी गार्डन का, और 2 किलोमीटर आगे इस रास्ते पे तो अब जाएंगे आगे की तरफ, और मौसम बहुत सुहाना हो रहा है तो इसका मज़ा लेते हुए आगे बढ़ेंगे भाई। यहाँ से एंट्री होती है कंपनी गार्डन के लिए, और राइट में लैप्सना की भाई ये एकेडमी है, और ये कुछ कैफेज है मेन रोड पर जो आपको दिख जाएंगे, बहुत ही सुंदर कैफेज है। अब हम निकलते हैं कंपनी गार्डन की तरफ, ये साइन बोर्ड है, नीचे बिरला माता का मंदिर है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कंपनी गार्डन, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि ये बहुत मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ टूरिस्ट का। और अभी हम अंदर जाएंगे, मेन स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगी, इसमें बहुत सारी दुकानें हैं, शॉप्स वगैरह, जो आप कुछ सामान खरीदना चाहे सबके, मतलब अलग अलग शॉप्स है, हर चीज़ दिखाएंगे। पहले यहाँ एंट्री टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो मैं दिखा दूँ आपको कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, ये देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है गेट, भीड़ इतनी ज़्यादा है। और अंदर से अभी हम दिखाएंगे, अंदर चलते हैं पहले, एंट्री करेंगे अब। 50 रुपये पर टिकट, यहाँ से शुरू होती है एंट्री इसकी कंपनी गार्डन की, और कुछ शॉप्स आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगी यहाँ, अम्ब्रेला वगैरह, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत जल्दी बदलता है। यहाँ कुछ गेम्स वगैरह की फैसिलिटीज़ भी दी है, और पश्मीना शॉल वगैरह यहाँ आपको मिलाई दिखाई देंगे, बहुत सी शॉप्स हैं यहाँ, गिफ्ट वगैरह भी ले सकते हैं आप यहाँ से। ये देखो और ये एंट्री होती है भाई यहाँ की, फ़ोटोग्राफ़र भी मिलेंगे आपको मेन। और भाई ये लें डो फ्लावर्स, अलग अलग वाला वैरायटी के फ्लावर्स दिखाई देंगे आपको यहाँ। ये है कंपनी बाग, काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई। फूल तोड़ने पे 500 रुपये जुर्माना भी है। गार्डन में आपको अलग अलग वैरायटी के फूल देखने को मिलेंगे। अभी जस्ट स्टार्टिंग है, और लोग देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है ये गार्डन। और भाई अब बारिश हो चुकी है, धीरे धीरे स्टार्टिंग हो चुकी है, और फाउंटेन बीचों बीच, ये अपने आप में ही अलग खूबसूरत लग रहा है भाई। बारिश के कारण
बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हो चुका है इस टाइम, और लोग मतलब अभी भी फुल क्वांटिटी में है, भीड़ बहुत ज़्यादा है लोगों की। और भाई मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ लोगों का, और ये देख सकते हैं फाउंटेन। मैं गुजर रहा हूँ भाई एक बहुत ही अच्छे ब्रिज से जो छोटा सा है और फ्लावर्स का है, इसके ऊपर फ्लावर्स होते अभी नहीं है, ये देख सकते हैं भाई कितना सुंदर लग रहा है पीछे। आ चुकी है एक अलग फ्लावर्स की, ये देख सकते हैं सब गैलरी अलग अलग बनाई गई है, अभी तो बहुत आगे जा के है, एक छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के लिए भी है, और ये मेन स्पॉट है बनाए गए हैं फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, आप देख सकते हैं। और वहाँ छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा ध्यान रखा गया। फूड कोर्ट भी है उधर, वो मैं उधर जाके दिखाऊंगा आपको। अब एंट्री करेंगे एक और स्पॉट पे, अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या है। दिखेगी आपको थोड़ी बहुत वैरायटी फ्लावर्स की, दिखा दूं मैं जूम करके। ये लीली है ऊपर, ये सनफ्लावर है, और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ये कुछ यूनिक लग रहा है मुझे ये वाला, ये बड़े रोज़ भी है। ओ भाई साहब ये अंदर क्या गैलरी लग रही है यार फ्लावर्स की, कितना अच्छा फील होता है यार जब आप आसपास चारों तरफ आपके फ्लावर्स हो और बहुत ही यूनिक तरीके के हो, और भाई मौसम अलग सरप्राइजिंगली इतना अच्छा हो कि बस क्या बताए, आई डोंट नो वर्ड्स भाई, बहुत ही ज़्यादा अलग वाइब आ रही है इस टाइम कसम से। चारों तरफ आपके फ्लावर्स ही है, ऊपर से थोड़ा रेनी सा सीज़न है भाई। ये नया स्पॉट है, ये अलग तरीके के इन फ्लावर्स के सब अलग अलग स्पॉट हैं, मतलब सनफ्लावर्स की अलग वैरायटी है जितनी है, और लिली फ्लावर्स की अलग वैरायटीज़ है, रोज़ फ्लावर्स की अलग अलग वैरायटी है, सारी वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं सारे, आज आपको मैं फूल दिखा दूँगा, ये देख सकते हैं इनकी अलग वैरायटी है, सब एक साथ होंगे। यहाँ एक कार है, इसके ऊपर फ्लावर्स लगाए हुए हैं, ये देखो एक पूरी कार है असली, उसमें रखे हुए गमले वगैरह उसी में फ्लावर्स है, तो बहुत ही यूनिक लग रही है ये तो देखने में। नीचे है अब एक्टिविटीज़ एरिया, तो उस तरफ चलते हैं और दिखाएंगे हम क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है इस गार्डन में। ये वाली है, इसके ऊपर बैठते हैं, रोल करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा झूला दिखाई देगा आपको इसी के अंदर, फिर ये दिखाता हूँ मैं आपको एक अमेजिंग सा घड़ा जिससे पानी आ रहा है, भाई कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ कैफेटेरिया एरिया है, यहाँ आप फूड वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, और ऊपर छोटा सा रोलर कोस्टर दिखाई देगा आपको इसके पीछे, आपको दिखाई देगा एक बोटिंग एरिया छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, इंजॉय के लिए ठीक है बच्चों के लिए। ये था पूरा कंपनी गार्डन, इसमें आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी, कहाँ कितने फ्लावर्स टाइप के हैं, भाई सब चीज़ दिखाई मैंने आपको। तो भाई ये भी एक बड़ा ही अट्रैक्शन पॉइंट है टूरिस्ट के लिए, और मोस्टली लोग जो इस साइड आते हैं तो वो एक बार विज़िट ज़रूर करते हैं, और उसी से पहले पड़ता है लैप्सना, जो भाई सब ने सुना ही होगा। बाहर हो रही है बारिश, तो भाई अब निकलना पड़ेगा घर की तरफ, क्योंकि दो तीन दिन हो गए और एक दिन हमारा वेस्ट हो चुका है बारिश से। तो अब भाई ये था इतना ही हमारा मसूरी और धनौल्टी और आसपास की जगहों का पूरा ब्लॉग, और आप देख सकते हैं कहाँ आना है कहाँ नहीं, तो बहुत ही ईजिली आप आ सकते हैं अगर आप आना चाहें मसूरी, बाय खुद के व्हीकल से भी आ सकते हैं, वरना आप बस बुक कर सकते हैं। और भाई एक चीज़ और बतानी थी आपको कि अगर आप यहाँ कैंप भी करना चाहते हैं तो 1000 से स्टार्टिंग है यहाँ कैंप की, तो वो फैसिलिटी भी आपको थोड़ा आगे मसूरी से, जैसे ही आप माल रोड से आगे निकलोगे ना कैंपटी फॉल की तरफ, तो आपको 2-4 किलोमीटर के बाद ही वो बहुत सारे रिजॉर्ट वगैरह मिलेंगे जो आपको कैंपिंग वगैरह कराएंगे। 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है वो चीज़ें, तो भाई व्यूज़ आपको सामने सारे पहाड़ वगैरह के वहाँ करा देंगे वो, और खाना वगैरह उसमें इंक्लूड होगा, तो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है मसूरी के यहाँ अगर आप करना चाहें तो। भाई ओवरऑल मैं बता दूँ आपको, तो अगर पर पर्सन 2-3 दिन के लिए यहाँ मसूरी में आ रहा है और आसपास आ रहा है खुद के व्हीकल से आ रहा है, तो भाई वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कितना पेट्रोल वगैरह लग रहा है। और होटल वगैरह भाई थोड़े नॉर्मल प्राइस, अब तो वैसी अगस्त और सर्दियाँ आ गई है तो भाई अब मुश्किल है, और आजकल मौसम वैसे ही बहुत ख़राब है, तो अगर आप आना चाहें सर्दियों में तो भाई बेस्ट टाइम होता है, बहुत ज़्यादा स्नो रहती है। तो कमेंट में बताइएगा इस कौन सा बेस्ट पार्ट लगा आपको इस वीडियो का, और बने रहे हमारे चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तोड़ दो भाई। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।